मेरा फेसबुक में पहले अटेम्प्ट नहीं हुआ था. अ लॉट ऑफ पीपल से कि हायरिंग इज ब्रोकन, इस तरीके से नहीं करनी चाहिए कि भाई मतलब एल्गोरिथम में फोकस करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे लोग फोकस नहीं करते. सो हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव अरिंदर हियर वंस अगेन एंड ही इज अ वेरी इंस्पिरेशन फॉर मी एंड फॉर एवरीवन, क्योंकि ही जस्ट क्रैक्ड वन ऑफ द टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज, नॉट जस्ट टॉप 500, द हाईएस्ट पेइंग फॉर्च्यून 500 कंपनी, जिसमें सबसे पहले नाम आता है मैंग का. पहले नेटफ्लिक्स हुआ करती थी, अब मेटा, अब मैग्मा बन गया है. मैग्मा इज अ बेटर रिप्रेजेंटेशन. मेटा, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, या और कुछ लोग मटाना कहते हैं. मटाना को कुछ भी बना लो, पर हाँ. ऑसम. सो स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी फ्रॉम जॉर्जिया टेक. सो जॉर्जिया टेक व्हेन यू एंटर्ड, तो हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटर्नशिप्स एंड फाइनली बाद में मेटा इंटर्नशिप? Yeah, totally. So, सबसे पहले, मतलब when I was a freshman, I had no clue what was going on. Noob computer science freshman, couldn't even reverse a string in my first semester. Wow. That's how bad I was. उसमें मुझे ज़्यादा कुछ पता सा था नहीं, क्योंकि भाई कैसे crack करने interviews, no idea. I was just like following the sort of जो मेरे friends करते थे वही करता था. 100 projects बनाए, मतलब बहुत ज़्यादा मज़े मारे. और first year में ज़्यादा computer science classes लेते भी नहीं हो. For instance, मैंने total 3 classes ली थी computer science की, तो उतना मुझे सीन नहीं था कि भाई इंटर्नशिप्स करनी है. मतलब फर्स्ट ईयर में आई वाज नॉट सीरियस अबाउट गेनिंग वर्क एक्सपीरियंस. आई गॉट मोर सीरियस सॉर्ट ऑफ इन मार्च, और दैट्स ऑलरेडी टू लेट फॉर डूइंग इंटर्नशिप्स इन द यूएस. तो आफ्टर माय फर्स्ट समर आई वेंट टू इंडिया एंड इंटर्न एट इंटेल, जहाँ पे मैंने विद इन ऑपरेशंस टीम आई डिड सम डेटा साइंस वर्क इन बैंगलोर. So that was a very good experience. पहली बार मतलब industry में काम करना. That's the spirit actually, because काफी students को US में internship first year में नहीं मिलती. I remember I have friends who also went to coding blocks in India, Intel, Qualcomm. Yeah. हर जगह they apply for all over the world. Referrals are all referrals are especially valid. Yeah. किसी भी country में, आप Europe में जहाँ पे भी आपको sponsorship मिल सकते हैं, you can work there. And this gives you more liberty and more experience opportunities. Yeah. I mean, especially US में और कहीं पे भी, your network is your net worth. ये फैंसी लगता है सुनने में, पर मतलब आई मीन दैट्स ट्रू रियलिटी. ठीक है, आप किसी भी स्टार्टअप्स को देख लो, वो उनका वेंचर कैपिटल का नेटवर्क उनको सक्सेसफुल बनाता है. आप किसी को भी देख लो, यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क. एब्सोल्युटली. अब प्रेपरेशन की बात आती है. एवरीवन थिंक्स, मैंने जब मैं फेसबुक गूगल के लिए तैयारी कर रहा था, एवरीवन थिंक्स की कोडिंग इंटरव्यूज बहुत हार्ड होते हैं. एंड इनफैक्ट मैंने अभी नोटिस किया कि गूगल ने 12 क्वेश्चंस, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चंस, अपने इंटरव्यू से निकाल दिए. हाँ, क्योंकि कोडिंग इंटरव्यूज वर गेटिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. डू यू थिंक दे आर गेटिंग इजियर नाउ? क्या देखो, बॉटम लाइन इज ही कॉम्पिटिशन इज गेटिंग मोर फॉर एवरीथिंग. कॉम्पिटिशन इज गेटिंग मोर, बट कंपनीज आर ऑल्सो ग्रोइंग. Especially if talking, if you're recruiting in fall 2021, for instance, like a mere example, lo to this summer I worked at Salesforce, which is like the top CRM company. What is CRM, by the way? CRM is like, I don't know the full form, but it's basically like you essentially allow your customers are businesses, so it's a B2B business, and then you're allowing customers to sort of like manage their customer data and like help them with sales stuff. Yeah. So yeah, this summer I was in Salesforce in Seattle, which is also like, I think ranked first or second in terms of happiness in Fortune Index. Wow. Yeah. So I was in Salesforce Seattle office mein tha main. Hum wahan mile the filhal. Ha, Salesforce Seattle office mein Harnoor ke saath I went to museum Mount Rainier, jahan pe apan ja nahi paaye the due to crazy weather. Yeah. Uske baad yeah, abhi fall mein I am in Meta Menlo Park, unka jo global headquarters hai. And I work on the small ads business platform team. Essentially अपन जब भी आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई भी ऐड बूस्ट करना चाहते हो, तो उसका जो बैक एंड है वो हमारी टीम मेंटेन करती है. तो एज अ रिजल्ट आई गेट टू वर्क ऑन बोथ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, मेटा इज़ अ कंपनी जो बहुत फास्ट पेस्ड है. उनकी अगर आप कॉरपोरेट वैल्यूज़ देखो, तो वन ऑफ द फर्स्ट वैल्यूज़ मूव फास्ट. और एज अ रिजल्ट और कंपनीज में क्या होता है कि मंथली या क्वार्टरली रिलीजेज होते हैं. एट मेटा वी डिप्लॉय कोड एवरी 3 आवर्स. So, अगर आपने आज अभी कमिट किया, if you just coded and commit and pushed, and daily push मेरा Facebook and Instagram production में जाता है, जो as an intern it's crazy. मतलब daily आप Facebook Instagram पे code लिख रहे हो, and you can see the result after going home. सुबह code किया, घर आए, ओ अच्छा change आ गया आप में. मेरा मेरी platform team है, तो on the back end side है, पर code is pushed to production. Yeah. Brilliant. It is very insane. Yeah. So far आपने सीखा कि आपने first internship की India में, India के बाद आपने NCR में भी internship की. We forgot about that. Yeah. So when I came back for my second year in August, so then I was actually serious about internships, or I was like just ruthlessly
अप्लाइंग एवरीवेयर. तब मुझे पता नहीं था कि राइट वे ऑफ अप्लाइंग इंटर्नशिप क्या है, पर मैं बहुत सीरियस था कि मुझे जॉब एक्सपीरियंस लेना है. तो जस्ट आई वॉज डूइंग द रेगुलर स्टफ कि भाई करियर फेयर जाना, लिंक्डइन पे जाना, लोगों से बात करना, रेज्यूमे बनाना, ऑल द मतलब जो जो भी लोग करते हैं, बस कन्वेंशनल स्टफ करना. एज अ रिजल्ट NCR इज लाइक वन ऑफ द टॉप टेक कंपनीज इन अटलांटा. हरनूर वर्क देयर फॉर 2 years, गॉट हिज फर्स्ट प्रमोशन देयर, बिग बिग टाइम. तो या आई मीन दे हायर लॉट फ्रॉम जॉर्जिया टेक. तो मैंने उन्हें करियर फेयर में रेज्यूमे ड्रॉप किया. Then they invite me for an interview and I just got it. Yeah. So I think for big tech companies, experience matter करता है कि like you first year को भी ले लेते हैं आपके ख्याल से. जैसे आपने पहले NCR में भी internship की, Intel में भी, Intel, NCR and then finally your resume got shortlisted. Yeah. पहले shortlist हो रहा था कि नहीं without experience? पहले भी हो रहा था. Wow. So because Georgia Tech का brand power. So Georgia Tech का brand power is big. और third year में आते आते I was sort of more serious. So that year I got interviews from everywhere, so like Facebook, Microsoft, Apple, you know, but I didn't crack any of them because mereko tha ki us to basically crux sari cheezon ka ek hai ki aapko do cheeze karni hai koi bhi big tech job lene ke liye. Number one is getting the interview, number two is passing the interview. This sounds very simple, common man ki bolega bhai sabko pata hai baat, par literally aapko yahi do cheeze karni hai aur in do cheezon ke liye different skill set required hai. I agree, pehle ke liye bahut sari cheeze luck based hoti hain. आप अगर आप किसी को जानते हो तो रेफरल डज प्ले अ रोल. अगर आप ब्रांड स्कूल जाते हो किसी अच्छे ब्रांड नेम स्कूल तो दैट डज मैटर. ऑन टॉप ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ यू नो अगर आपको रिक्रूटर रीच आउट करता है तो दैट ऑल्सो मैटर्स. तो फर्स्ट केस में आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं पर लक का थोड़ा ज़्यादा रोल होता है, नो क्वेश्चन. टॉकिंग अबाउट द सेकेंड स्टेज इज पासिंग द इंटरव्यू. उसमें देर इज नो लक. Even companies are now moving to blind hiring, matlab ki basically they don't want to reveal the identity of the candidate. It's just they purely test your skills. So uske baad it's just totally you know, for example for big tech companies it's just technical algorithmic interviews, at least for new grad and interns. Yeah, wo system design nahi karte, sirf algorithms for new grad. Mere liye system design hua tha because I was going for a senior position. Yeah. But sirf same algorithm set, chahe aap apply kar rahe ho, chahe ye apply kar raha hai, chahe main apply kar raha hu, anyone applying, same questions, similar concepts, and it's a fair game. It's a fair game. Aur मतलब अ लॉट ऑफ पीपल से कि हायरिंग इज ब्रोकन, इस तरीके से नहीं करनी चाहिए कि भाई मतलब एल्गोरिथम में फोकस करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे लोग फोकस नहीं करते. बट आई मीन एट द एंड ऑफ द डे आपको इसको इस तरह देखना है, इट वर्क्स. गूगल, फेसबुक, जो भी सक्सेसफुल कंपनीज है इस तरीके से हायर करती हैं एंड दे आर सक्सेसफुल. ठीक है, तो दिस वर्क्स राइट. एब्सोल्युटली. इफ यू माइट नॉट लाइक इट. और टेक्निकल इंटरव्यूज भी क्रैक करने का दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वन इज नोइंग द प्रॉब्लम, सेकेंड इज कम्युनिकेटिंग द प्रॉब्लम. कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है पर उसको लर्न करना आसान होता है. पर वी शुड नॉट ओवरलुक द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल मेरे फेसबुक इंटरव्यू में यू हैव टू टॉक थ्रू एवरी लाइन ऑफ कोड यू आर राइटिंग इन द इंटरव्यू. लाइक टॉक थ्रू ईच लाइन. अगर फॉर सॉर्ट ऑफ आप बिना बात करे कोड अप कर दोगे आपको ऑफर नहीं मिलेगा. एन एग्जाम्पल कुड बी आवर यूसी वर्कली चैलेंज. हमने कोडिंग किया था, ही वाज शोइंग how to be an interviewer and interviewee. Yeah. He was so smart in spoon feeding students. Agar wo video dekhoge you will you can get an idea ki kaise walk through karte hain. And totally agar aap thoda ek initial idea de rahe ho, aapko realize karna hai interviews always a two way thing. Theek hai, agar aap ek initial signal doge ki I am here to you know fight for the question, interviewer will be more than supportive in most cases. Obviously some interviewers are not that good but in most of the cases they will be more than supportive. And one thing मैं आपको हमेशा कहूँगा कि the recruiters and interviewers are always on your side. ठीक है, for example recruiters को हर quarter, हर half में अपने targets hit करने होते हैं. और अगर आप उनके candidate हो और आप hire होते हो तो वो अपने target के close पहुँचते हैं, तो they are on your side. ऊपर से interviewer भी positive feedbacks देना चाहता है, वो ज़्यादा interviews लेना चाहता है उन लोगों को जिनको offer मिले, ना कि जो reject हों. तो always remember they are on your side. But you also have to put in the effort. Absolutely. They always give hints. Agar aapse nahi ho raha, aap unse hint mang sakte ho. Yeah, exactly. As long as thoda bahut hints se spoon feed se aap kar pa rahe ho, that is also good enough in some cases. And in basically jo big tech companies hain Silicon Valley ya matlab in general world mein, unka ek sort of general principle engineering ko leke ye hai ki वो कुछ स्मार्ट लोगों पे मिस आउट कर सकते हैं पर वो किसी भी नॉन स्मार्ट बंदे को नहीं लेंगे. ठीक है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि हायरिंग इज ब्रोकन, कुछ स्मार्ट लोग नहीं पहुंच पाते. पर उनका बेसिकली फंडा ये है कि हम किसी नॉन स्मार्ट लोग जो अनस्किल्ड है उसको नहीं लेना चाहते,
क्योंकि उसको फायर और मैनेज आउट करने में बहुत टाइम लग जाएगा. ट्रू, एब्सोल्युटली. तो इस चक्कर में वो काफी स्मार्ट लोगों को मिस कर देते हैं, नो डाउट अबाउट इट. दैट इज टोटली करेक्ट. एंड अनदर पॉइंट इज अबाउट इंटरव्यू राउंड्स. आपने लीड कोड बहुत किया है, ब्लाइंड 75 अगर आपने नहीं सुना, दैट्स द दैट्स हाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट. तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, आपने कितने क्वेश्चंस किए एंड हाउ लॉन्ग इट टुक यू टू बी एट द लेवल की हाँ यार मैं फोड़ दूंगा. यार लीड कोड का मतलब टेक्निकल इंटरव्यूज का एक सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल है कि आपको पैटर्न्स मेमोराइज करने हैं. ठीक है, तो क्रैमिंग है इसमें, क्रैमिंग है पर सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है. जैसे फॉर एग्जांपल लोग क्या करते हैं अपन, कि हम एक डेटा स्ट्रक्चर उठाएंगे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग्स, और वे स्ट्रिंग से क्वेश्चन करने लग जाएंगे. पर विद इन स्ट्रिंग्स अगर आप देखो तो इतने सारे पैटर्न्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्लाइडिंग विंडो, टू पॉइंटर्स. तो स्ट्रिंग में बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं, अगर अपन पैटर्न्स को मेमोराइज कर लो तो आपके 60-70% क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए. एक ट्राइज होता है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में भी ट्राइज होता है. हाँ, पोस्टफिक्स बहुत सारे होते हैं. ओ प्रीफिक्स सम एक और अरे टेक्निक है जो बहुत फेमस है. इनफैक्ट पिछले रिक्रूटिंग सीजन ऑलमोस्ट 30% ऑफ माई क्वेश्चंस वर प्रीफिक्स सम. ठीक है, जो एक सॉर्ट ऑफ सिंपल अरे टेक्निक है, पर जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसको अरेज के टैग में देखते हैं, हम कभी पैटर्न समझ ही नहीं पाते. सेम अगर आप और डेटा स्ट्रक्चर्स में देखो, फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस, अगर आप उनको एज 2D अरेज लोगे तो आप उसको बस एज अ डेटा स्ट्रक्चर सोचोगे, पर अगर आप उसमें पैटर्न मैचिंग कर लोगे, फॉर एग्जांपल DFS, BFS, ग्राफ्स या ग्राफ एल्गोरिथम्स, तो यू विल बी बेटर. तो या और मतलब सॉर्ट ऑफ एक बार अगर आपको पैटर्न मैचिंग आ जाए तो उसके बाद बस थोड़ा सा लक चाहिए होता है, then you can crack pretty much any company. Absolutely. And another factor I've seen is कि lead code पे ना most frequent asked questions लिखे होते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि ये company ये category question ज़्यादा पूछती है, ये कम पूछती है. अगर आप probability की game खेलोगे, that can also make a difference. Totally. जैसे for example, Facebook ने मुझे interview से पहले सीधा बता दिया था email में कि we will not ask DP, which is such a big relief. ठीक है? Wow. पर not being asked DP at such a company means कि आपको graph या backtracking पक्का मिलेगा, because these are hard algorithms. So you need to go, मतलब आपको वो ज़्यादा पढ़ना है. Yeah, for example, Google का on the other hand ये है कि DP पूछेंगे. DP most likely पूछेंगे, पर वो graphs पक्का पूछेंगे. 100% graphs 100% पूछेंगे. For example, other companies का ये है कि they won't ask DP या graph, but they will ask strings and arrays, जिसमें आपको ट्रिक्स एंड पैटर्न्स पता ही होने चाहिए. अगर नहीं पता तो यू वुड नॉट क्रैक इट. और एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग इंजीनियर. ठीक है, अगर आप सिर्फ लीड कोड पे अच्छा हो और कम्युनिकेशन भी अच्छा है, उसके ऊपर भी आपको एक जनरली स्ट्रॉन्ग इंजीनियर होना चाहिए, कि एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करना चाहिए, उसके ऊपर ही अगर आप होगे तो यू विल मेक इट, इफ नॉट देन लाइक यू नीड टू वर्क. बट आई विल से एट द एंड ऑफ द डे, मेरा फेसबुक में पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था. आई गॉट रिजेक्टेड आफ्टर द फर्स्ट राउंड आफ्टर अ वेरी हार्ड बैक ट्रैकिंग क्वेश्चन. पर इन कंपनीज का सबसे अच्छी बात यह है कि यू कैन गिव इंटरव्यूज आफ्टर 6 months टू 1 year, एंड यू कैन बूमरैंग बैक, विच मीन्स लाइक कि अगर आपने एक बार कंपनी छोड़ दी तो यू कैन कम बैक. ठीक है, तो यू कैन स्विच वेरी इजिली. ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बहुत बड़ी you know, advantage है. Yes. It's not like कि IIT का paper एक बार गया तो बाद में एक साल तक नहीं देख सकते. Right. You can interview every 6 months, Amazon every 6 months, Facebook every 6 months, Google every 1 year, Microsoft every 6 months. तो just think कि एक बार opportunity गई, दोबारा दे देंगे यार. Just keep preparing. यार मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पहला Facebook का interview जो था, I got humiliated. मतलब मैं और interviewer were like, कब खत्म होगा? ठीक है, दोनों की हालत ऐसी थी. और तो ठीक है, मतलब यू डोंट हैव टू बी डिसअपॉइंटेड, यू जस्ट मतलब ठीक है भाई अगले से टाइम कर लेंगे. और थोड़ा बहुत लक का रोल भी होता है. पीपल हु डिस्काउंट दैट आर सॉर्ट ऑफ अंडर प्लेइंग इट, पर मोस्टली इट्स योर प्रेपरेशन एंड योर इफ यू कैन अप्लाई द राइट ट्रिक्स. एंड इंटर्नशिप्स के लिए देयर आर ओनली 2 rounds, राइट? फॉर फेसबुक हाँ, देयर आर टोटल 2 rounds. फुल टाइम के लिए 4 to 5. फुल टाइम के लिए डिपेंड्स ऑन वॉट लेवल यू आर गोइंग. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी जूनियर के लिए जा रहे हो तो देयर विल बी मोर कोडिंग, लेस बिहेवियरल सिस्टम डिजाइन. अगर आप किसी सीनियर रोल के लिए जा रहे हो तो लेस कोडिंग मोर सिस्टम डिजाइन. तो इट डिपेंड्स. अपन लोग जब कॉलेज में जाते हैं तो अपन इंटर्नशिप का 3rd year के बाद सोचते हैं, तो वो नहीं करना है. अपन को 1st day से वर्क एक्सपीरियंस के लिए सोचना है. फॉर एग्जाम्पल आई विल ग्रेजुएट विद 5 internships. Intel, 2 at NCR, and then Salesforce, and then Meta. So I will say, do more internships. आपको work experience बहुत help करेगा. अगर आप more interns करके full time में जाते हो तो you will be ahead of a lot of full time hires. तो do focus on that. और even though India में trend बना हुआ है कि internships usually 3rd year के बाद ही करना है, अगर आप lead code में अच्छे हो और if you sort of you know put your head कि मुझे 1st year में लेनी है तो you will get it. ठीक है? Perfect. Yeah. Thank you so much, Arendar. It was very informative. Yeah, all the course. Best, everyone. Thank you so much. Yeah. Keep applying and keep interviewing. Right, thank you so much.